व्यूअर्स, वेलकम टू एनएनटीवी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नागपुर में अभी तक कार से किसी बाइक को मारने का पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर इसे हादसा कहे तो शायद ये गलत ना हो। ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सीधा विक्टिम से बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। आयशा अंसारी जी, आप बताइए, क्या उस दिन आप घटना के समय वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं वहाँ मौजूद थी। नहीं, मैं पीछे मिली थी। तो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे ही थी। सोमू जैसे फर्स्ट जो एक्सीडेंट हुआ है वो आ रहा था भांडीवाड़ी से, ऐसे आ रहा था वो, और उसने पहली गाड़ी जो पल्सर उड़ाया, पल्सर में चार परिवार था, चार लोग के परिवार थे, वो चारों भी ऑन स्पॉट खत्म हो गए। सेकंड जो था वो बुलेट थी, बुलेट पे भी वो तो मैंने देखा नहीं। फोर्थ नंबर की ब्लू कलर की गाड़ी थी जो दानिश नाम का लड़का था वो गिरा, वो गाड़ी लेके आया। उसके बाद में मेरे जीजा जी की गाड़ी थी, मेरे भाई साहब की जो गाड़ी थी, मेरे भाई साहब को गाड़ी को डायरेक्ट उसने गाड़ी लेके मारा ऐसे जोर से मेरे भाई साहब का। वहीं पे मेरा बेटा भी था, मेरा बेटा उछला, उछल के गिर गया। अच्छा, आपके बेटे को भी लगा है? मेरे बेटे को भी लगा, मेरे बेटे का दोनों हाथ फ्रैक्चर है। ओहो, क्या उम्र होगी आपके बेटे की? बेटे की 4.5 साल हुआ है। तो अभी आप कैमरे के सामने आपके बेटे को ला सकते क्या? मेरा बेटा है, 4.5 साल का है। डॉक्टर ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था, बोला सीटी स्कैन हो गया, लेकिन मैं गई दवाखाना लेकर मंडे के लिए लेकर गई तो मेरे बेटे का पता चला कि दूसरा भी हाथ फ्रैक्चर है। मेरे बेटे का दूसरा भी हाथ फ्रैक्चर निकला, मैंने एक्सरे कराया तो दूसरा भी हाथ फ्रैक्चर निकला। मेरा बेटा 2 दिन से पेन में पड़ा हुआ था, यानी दर्द में पड़ा हुआ था मेरे बेटे। तो आपने बच्चे को दवा खाने से घर क्यों ला लिए? दवा खाने से मैं घर इसलिए लेके आई, मेरे बेटे की तरफ में तवज्जो नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। अच्छा, वहाँ पे और भी ऐसे पेशेंट है जिनकी तरफ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा? मेरे बाजू को मैंने 9 तारीख से वहाँ पे मतलब किया है, वहाँ पे लेके गए थे मैं एक्सीडेंट का पूरा पेशेंट वहीं लेके गई थी। मेरे जीजू जी भी है जो मेरे भाई साहब जो वो अभी मौत के मुंह में सोए हुए आईसीयू में है वो। अच्छा, आपके जीजा जी आईसीयू में? हाँ, और मेरे बाजी जो है उनका वो नहीं हुआ है ऑपरेशन, अभी तक के नहीं हुआ है मेरे बाजी का पैर का। तो ये कौन सा दवा खाना है जहाँ पे लापरवाही का मामला? मेडिकल में। तो आपने पुलिस वगैरह को या किसी बड़े डीन को, किसी डॉक्टर को नहीं कहा कि लापरवाही का मामला? पुलिस भी मेरे से आके अभी तक के कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ली, मुझे कुछ पूछा नहीं कि आपका पेशेंट कैसा है, क्या है। मुझे अभी तक पुलिस का भी कुछ अभी कुछ मिला नहीं है, मुझसे पुलिस भी एक भी बात पूछने नहीं है कि क्या चल रहा है आपका। नहीं बैठ जाइए बेटे के पास में। तो एक चीज बताइए कि जो आपके जीजा जी है वो अभी क्या मतलब क्या हाल है उनके? वो अभी होश में नहीं है, अभी उनको होश नहीं है, कोमा में है। वो आईसीयू में ही है। अच्छा, आईसीयू में। और आपके बाजी? मेरे बाजी जो है अभी उनका भी वो नहीं हुआ है, मेरे बाजी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है मैंने 9 तारीख से उनको रखा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, बाजी भी दवा खाने में है। और आपके सामने वहाँ पे तुरंत कितने लोग मर गए थे? वहाँ पे ऑन स्पॉट 4 लोग खत्म हुए हैं, दो छोटे लड़के और उसका बाप, पप्पा और उसकी दादी, वो 4 लोग ऐसे खत्म हुए हैं। और उसके बाद में और कितने लोग खत्म हुए हैं? उसके बाद में तो मुझे उतना कुछ पता नहीं है। मैंने ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी जब रुका मेरे बाजी और मेरे भाई साहब के पैर पे, जब वो गाड़ी चढ़ के रुकी है डिवाइडर पे तो वो गाड़ी के कांच टूटी, तो मैंने वो उसको पकड़ा और वो व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था उसको मैंने जैसे ही उसका बाल ऐसे पकड़ा तो वो अपनी गाड़ी के अंदर में ही सीट पर इतना पिया हुआ था कि वो वहीं लुढ़क गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब उसकी है कि स्पीड, जो गाड़ी की स्पीड उसकी बहुत थी। आपका कहने का मतलब है कि जो गाड़ी चला रहा था आपने उसको एकदम करीब से देखा? करीब से, मेरी नजर में बसा हुआ है वो। और आपने उसको अच्छे से देखा, उजाला? मैंने उसको अच्छे से देखा, उसने भी मुझे अच्छे से देखा। मतलब अगर आपको दोबारा उसको दिखाया जाए तो आप पहचान सकते? हाँ, मैं उसको पहचानूंगी, उसको मैंने देखा हुआ है, मैंने अपनी नजरों से देखा हुआ है, उसने भी मुझे देखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो गाड़ी मालक नहीं था, उनका ड्राइवर था। ड्राइवर और मालक में बहुत फर्क होता है, ड्राइवर एक अलग चीज होती है, मालक एक अलग चीज होती है। वो अलग बन ठन के था, उसमें व्हाइट कलर की शर्ट पहना था
वो अलग ही था, वो मालक ही था। मतलब खैर अगर आप उसको देखेंगे तो पहचान वो तो मैंने देखूंगी तो मैं पहचान लूंगी कि वो कौन था करके। क्योंकि अभी जैसा कुछ न्यूज हमने भी डाले थे तो हमें भी प्रेशर आया न्यूज डिलीट करने का कि भाई वहाँ किसी का नाम ना लिया जाए करके। हम भी अब उस जब तक कंफर्म नहीं होता है लेकिन इतना हम लोगों को बता सकते हैं कि एक लॉन का ऑनर है, उसके नाम पर वो गाड़ी है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। और आपको क्या लगता है, आपको इंसाफ मिलेगा पुलिस से? मुझे इंसाफ ही चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए जिसने इतने सारे लोगों को मारा है। किसी की फ्री कितनी जान नहीं है ना, सबको उसने मारते हुए रॉन्ग साइड लेके आया। वो इतना ड्रिंक किया हुआ था कि उसने रॉन्ग साइड में सबको उड़ाते चला गया। अगर वो गाड़ी नहीं रुकती तो बाद में मेरा ही नंबर था। अच्छा, आप ये कंफर्म बता सकते हैं कि वो दारू पी के मतलब नशे में था? नशे में था, वो फुल नशे में था। जब मैंने उसको पकड़ा है तो वो फुल नशे में था, उसको इतना होश नहीं कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, फुल नशे में था। तो एक अंदाज से आपने वहाँ देखे कितनी गाड़ियों को उसने उड़ाया वहाँ पे? वहाँ पे एक था सामने में जो पल्सर था, वो परिवार खत्म हो गया। उसके बाद में बुलेट था, बुलेट के बाद में ब्लू कलर की जो गाड़ी उसने लेकर आया और वो उसमें डिवाइडर में जो चिपकाया वो था। फिर मेरे भाइनोई की गाड़ी थी, मेरे बहनोई की जो मेरे भाई साहब की जो गाड़ी थी वो मेरे भाई साहब की गाड़ी को तो उसने तो ऐसे मेरे भाई साहब को मारा कि मेरा बेटा ऐसे उड़ के आया। मेरा बेटा मुझे औंधा मिला रोड के ऊपर। अच्छा, मैंने तुरंत मैंने बच्चे को मैंने औंधा मेरे बच्चे को उठाया, मेरे बाजी को उठा के किनारे किया, जस्ट मेरे भाई साहब को मैंने फिर उठाया। आप बोलिए। तो बच्चे को, ये बच्चा जो है ये किसके साथ में था? ये मेरे भाई साहब के साथ में था। मैं सबसे पहले तो वहाँ पे कैसा हुआ, वहाँ ताजबाग से हम लोग आ रहे थे दोनों भी गाड़ी पे। मेरे भाई साहब अपनी गाड़ी पे थे हीरो होंडा पे, मैं अपनी गाड़ी एक्टिवा पे थी, मैं ही एक्टिवा चला रही थी। मैं रुक गई थी शकरदरा चौक पे, जो झाड़ है झाड़ के नीचे रुक गई थी। मेरे भाई साहब मेरे पीछे थे, मेरे भाई साहब का मैं इंतजार करते खड़े हो गए। मेरे भाई साहब फिर आगे आए तो मैंने उनको ऐसे हाथ दिया तो वो मेरे को बोलते चलो कर। जब उन्होंने बोले चले तो वो आगे हो गए, मैं पीछे हो गई। ओहो, देखो इसको बोलते हैं नीति। तो मैं पीछे हो गई तो मेरे भाई साहब आगे हो गए तो उनको फिर वो उसने सबको रॉन्ग साइड आके उड़ाते 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 मेरे भाई साहब का भी नंबर लगा। देन वो गाड़ी अगर नहीं रुकती तो बाद में मेरा भी नंबर लगा। अच्छा, आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से पुलिस से कोई अपील करना चाहेगी? जो दवाखाने में लापरवाही का मामला तो आपने उठाया है, हम कोशिश करेंगे मेडिकल के डीन से इसका जवाब लेने के लिए। उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि वो जनता के सेवक है, वो नौकर है, किसी के बाप नहीं है, वो डीन होंगे अपने घर के, वो जनता के नौकर है। उनसे जवाब NNTV जरूर लेगा। पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से आप या पूरे महाराष्ट्र की सरकार से अपील करना चाहेंगे? मुझे मेरे पेशेंट अच्छा चाहिए, मुझे क्या बोलते पुलिस वगैरह से जो है मुझे इंसाफ चाहिए। जो वो है अपराधी, जो अपराध किया है, जिसने सारे लोगों को मारा है, किसी की फ्री की जानी है, उसको 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 कड़ी से कड़ी सजा चाहिए उसको। बस मुझे इतना चाहिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं सर, बस इतना ही, मुझे तो इतना ही चाहिए, बस उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।